लखनऊ में पुलिस कस्टडी में व्यापारी मोहित पांडे की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। एसपी कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से पीड़ित परिवार को घर पर बुलाकर उनके साथ फोटो सेशन कराया। इससे पहले बहराइच हिंसा में मारे गए गोपाल मिश्रा के परिवार वालों को भी बैठाकर फोटो सेशन कराया गया था। अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 8 साल में 900 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई, लेकिन सरकार हर बार अपराधियों को बचाती नजर आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद जंगल राज बढ़ गया है। मोहित पांडे की मौत के मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, कांग्रेस की तरफ से यह मांग की गई। सीएम योगी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं पीड़ित परिवार भी सीएम योगी के आश्वासन से संतुष्ट नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष द्वारा जातिवादी एंगल लाना क्या सही है? आज दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नेताओं के बयान भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है कि पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है। इसके पहले मैंने अमन गौतम की बात बताई, जिस तरह अमन गौतम की मौत हुई, हम लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब जिस तरह से मोहित पांडे की मामला सामने आया, अब मोहित पांडे की मौत हुई, कहते हैं वो पानी मांगता रहा, उसे पानी तक नहीं मिला। जब वो लॉकर में बंद था, वो तड़पता रहा, पानी मांगता रहा। बताइए, इतनी बेदर्द बेरहम उत्तर प्रदेश की पुलिस हो जाएगी कि पानी तक नहीं पिलाएगी? तो ये चिंता का विषय है, और इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज तो चल ही रहा है। और मुझे लगता है कि जो पुलिस सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। दुखद है, घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। देखिए, ये कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पूरी तरीके से जानबूझकर ये ऐसे कई घटनाएं हो गई। कस्टोडियल डेट ये पहला नहीं है जो लखनऊ में भी है। पांडे जो ब्राह्मण लड़का जो मरा है, वो पूरी तरीके से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। और जाने कितने कस्टोडियल डेथ हो गए, इसमें जो उसमें इंस्पेक्टर और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज की बहस क्यों, एक बार सवाल पर नजर डाल लेते हैं। कस्टडी मौत पर गरमाई राजनीति, जाति पर क्या सियासत सही है? क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जातिवादी समीकरण बिठाया जा रहा है, वही दूसरे सवाल की बात करें तो एक्शन का ऐलान क्या विपक्ष के सियासत का प्लान? तीसरे सवाल की बात करें तो मोहित की मौत पर आक्रोश, विपक्ष लगा रहा है जाति का दोष, यह भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं हिरासत में ज्यादती, यूपी पुलिस सवालों में फंसी। हिरासत में एक रात, मोहित की मौत का क्या है आखिर राज? और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रदीप सिंह नेता बीजेपी, राहुल यादव नेता समाजवादी पार्टी, और पुनीत पाठक प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे, क्यों आखिरकार इस तरह की घटनाओं में पुलिस वालों पर सवाल खड़े हो जाते हैं? क्या जंगल राज को खत्म करते करते पुलिस वाले भी अब इस तरह की हरकतें करने लगे हैं, जंगली बन चुके हैं? क्योंकि एक के बाद कई घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं जिसमें पुलिसकर्मी ही दोषी पाए जाते हैं। पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कार्रवाई कितनी देर और किस प्रकार से हुई। अगर सिस्टम की कार्रवाई विपक्ष को नहीं समझ में आ रही है तो सरकार या कोई भी उनको इसको समझा नहीं सकता है। नहीं प्रदीप जी, कार्रवाई का क्या, एक जान तो चली गई ना, जिस पुलिसकर्मी पर, जिन पुलिस वालों पर प्रदेश की सुरक्षा का भार है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे तब तो यहां पर सवाल उठना लाजमी है। आम जनता का क्या होगा फिर? नहीं, आम जनता की बात, और देखिए इस पर्टिकुलर घटना को आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना। अगर आप इसको विशेष वो चाहते हैं तो आपको इसको देखना होगा। इसको जनरलाइज नहीं करना, नहीं आप कर सकते। किस लॉजिक से जनरलाइजेशन हो रहा है इसका? और उससे भी बड़ी बात देखिए सर, कितनी त्वरित कार्रवाई हुई और संघीय धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है संबंधित अधिकारी पे, आप बताइए इसके पहले की कोई नजीर हो, या विपक्ष की जब सरकारें नहीं है तो कोई ऐसी नजीर हो तो बताइए। उप मुख्यमंत्री जी गए और परिवार वाले संतुष्ट दिख रहे हैं। वैसे तो बात होती है कि आप पर्टिकुलर मत करिए, जनरल बात करिए। अब जब एकदम से मांग होती है ना कि पीड़ित परिवार को क्या मिलना चाहिए, तो सरकार अपने जो है अपने पक्ष से जो सबसे अच्छा कर सकती है वो कर रही है। और
देखिए ये जांच एक दो दिन में तो रिजल्ट आएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको सरकार के माध्यम से ये मैं एक जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा कि ये रफा दफा वाला केस नहीं है। रफा दफा वाली बातें किन्हीं अन्य सरकारों में हुआ करती थी, ये योगी जी की सरकार में रफा दफा वाला मामला एकदम नहीं है। और ऑन रिकॉर्ड आप इसको रख लीजिए, और आगे भी मुझे आप चाहें तो बुला सकते हैं, मैं उपलब्ध रहूंगा, कम से कम इस बात के लिए तो निश्चित तौर पर रहूंगा। आज पीड़ित परिवार है, अब विपक्ष का काम है सवाल उठाना, जनता के बीच में जाना, जाए बात करें, जनता देखिए क्या रिस्पॉन्स देती है। आज की ये घटना है अंबेडकर नगर की, जहां के चौकी इंचार्ज राहुल पांडे पर आरोप लगा है एक युवक को चौकी के अंदर बंद करके पीटने का, ये आज की खबर है। और आज की खबर है बहराइच वाली हिंसा में वृंदा शुक्ला जो एसपी हैं उनकी तरफ से 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। कोई ना कोई अपराध रहा हो या होगा या फिर कोई ना कोई लापरवाही रही होगी, तभी तो ये कार्रवाई इनके ऊपर हुई। अगर पुलिस वालों पर इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो प्रदेश सरकार की छवि भी सवालों के घेरे में आती है कि पुलिस वालों को इतनी छूट आखिर कैसे मिल गई। देखिए पुलिस अपने एक स्वतंत्र एजेंसी है, निश्चित तौर पर सरकार के अंतर्गत आती है, प्रदेश के गृह मंत्री के अधीन आती है, यानी योगी जी के अधीन आती है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या ये घटनाएं, मैं इसका कतई पक्ष नहीं लेता और इसको किसी तरह से डिफेंड नहीं करना चाहता और ना ही मैं करूंगा इसको, लेकिन सरकार प्रदेश को जो चला रही है उसके बाद उसकी क्या स्थिति रही और किस प्रकार से उसको कोई लिपा पोती आपको दिखाई दी, आप बताइए। पत्रकार बंधु क्या छोड़ते सरकार को प्रश्न उठने से अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती? निश्चित तौर पे आपके प्रश्न का नजरिया कुछ और होता, आपके प्रश्न कुछ और होते अगर इस पर कार्रवाई अब तक ना हुई होती। पक्ष तो खैर देखिए जातिवादी एंगल देने का काम करता रहता है, वो करता रहेगा, करने दीजिए, लेकिन कम से कम इस सरकार में पत्रकारों को नहीं जलाया जा रहा है। कस्टोडियल डेथ हुई मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी चूक, पत्रकारों को नहीं जलाया जा रहा है, पुलिस वालों को इतनी छूट दे दी गई है कि वो किसी की जान ले ले। राहुल यादव जी। जी वीरेंद्र जी, जिस तरह से बड़े मामले को अभी भी बीजेपी के नेता है, इन्होंने बड़े ही आसानी से बड़े ही मीठे मीठे लफ्जों में इसको जो है अपना बचाव किया, ये बड़ा हास्यास्पद है। अभी इनको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जो कस्टोडियल डेथ की भयावह स्थिति है, इनके बारे में ये जानना चाहिए कि जो कस्टोडियल डेथ है और जितने भाजपा शासित प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब में कस्टोडियल डेथ में इनको मानवाधिकार आयोग से नोटिस तक आ चुके हैं। इनको समझना चाहिए कि जो बच्चे की मृत्यु हुई है, जिस लड़के को अरेस्ट किया गया था, अगर आप किसी को अपने कैद में रखते हैं, अगर कोई अरेस्ट होता है उसका भी मानवाधिकार होता है, एक प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीडिंग है, अगर उसके तहत ही उसको सजा मिलती है, अगर वो पानी मांग रहा है, आप सीसीटीवी कैमरे घूम रहे हैं, आप देखिए मीडिया में, अगर वो पानी मांग रहा है या उसको कोई दिक्कत है तो उसको मेडिकल एड मिलना चाहिए। और 302 BNS की धारा 103A के तहत थाना अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी अभी धीरेन्द्र जी ने बताया कि बहराइच में चौकी इंचार्ज के खिलाफ लाइन हाजिर जैसे कार्रवाई की गई है, तो क्या ये कोई छोटी बात है क्या? अगर उनके पर कार्रवाई हो रही है तो समझने की बात है कि जो पुलिस महकमा है इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो पूर्व DGP है सुल्तान सिंह, उन्होंने भी इस बात को माना है और स्पष्ट कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी अगर यह राजनीतिक लोगों के दबाव में या अपने उच्च अधिकारियों के दबाव में काम करते हैं तो फंसने के बाद इनको मदद करने के लिए कोई नहीं बाद में आएगा। और सैकड़ों पुलिसकर्मी आज जेलों में सड़ रहे हैं, और उन्होंने उदाहरण दिया गाजीपुर में, सीतापुर में, प्रयागराज में और पीलीभीत में जो फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, इनके जो पुलिसकर्मी हैं इनको उम्र कैद तक की सजा हुई है। तो मुझे लगता है कि किसी भी दबाव में पुलिस को नहीं आना चाहिए, उसका ध्येय वाक्य है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, ये इसको ध्यान में रखना चाहिए और पुलिसकर्मी को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। और इस तरह से कस्टडी में मौत होना ये आम जनता में डर पैदा करता है, तो ये सोचने की बात है कि इस तरह से हल्के में राहुल जी, प्रदीप जी का एक सवाल ये भी था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता था, वो तो नहीं हो रहा, वो ये सवाल था। देखिए ऐसा है, कस्टोडियल डेथ में मैं इनको आंकड़ा पहले बता रहा हूँ, पहले ये जो आज का मुद्दा है पहले उस पर समझ लें। 2018-19 में 12 लोगों की मौत हुई है, 19-20 में 3 लोगों की, 20-21 में 8 लोगों की, और जो कस्टोडियल डेथ में मौतें हो रही हैं और स्लीपर्स में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या इस पर ये जवाब देंगे कि पुलिस का जो रवैया है ये कोई हिरासत में मामला या जेल जो है यातना गृह नहीं है? अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो इसका एक तरीका है, पुलिस का काम सजा देना नहीं है, इसको आप स्पष्ट करें, क्लियर रहें, सजा देने का काम कोर्ट का है, एक लीगल प्रोसीडिंग होगी,
कोर्ट उसकी सजा मुकर्रर करेगा, उसके बाद जो भी सजा होगी उसको कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कैदी है, जिसको जो भी आरोपी है, उसको जेल में लाना, उसकी सुरक्षा, उसको मेडिकल एड देना, ये पुलिस का कर्तव्य है और ये लीगल प्रोसीडिंग है, ये उसका काम है। तो इस पर आप अपना जवाब स्पष्ट करें। इस तरह से लखनऊ वाले केस में तो मेडिकल पहले हुआ ही नहीं, ठीक है, लखनऊ वाले केस में तो मेडिकल पहले हुआ ही नहीं। पुनीत पाठक जी, पुनीत पाठक जी, उसके बाद प्रदीप जी आपके पास आएंगे। पुनीत पाठक जी, का एक स्लोगन है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन हमें नहीं समझ आता कि ये कैसी सुरक्षा है और कैसा संकल्प है। अभी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के अभी आंकड़े दे रहे थे, उन आंकड़ों को कंप्लीट कर लूं। 2020 से 21 के बीच में उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कस्टोडियल डेथ्स हैं, 22 से 23 के बीच में 10 और 23 से 24 में अभी तक 4 कस्टोडियल डेथ हो चुके हैं, पिछले 15 दिनों में दूसरी कस्टोडियल डेथ है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार किस तरह से दंगों को रोकने में नाकामयाब रहती है, किस तरह से धार्मिक उन्माद को रोकने में नाकामयाब रहती है और किस तरह से माहौल बिगाड़ने में सहयोग करती है उत्तर प्रदेश की सरकार का, इसके भी कई सारे उदाहरण हमारे सामने है। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा आज प्रशासन में भी आ चुका है। ये लोग समाज को बांटना चाहते हैं, ये लोग देश की मूल भावना को बांटना चाहते हैं और वही रूप उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी दिख रहा है। इस एनकाउंटर के तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो सरकार पे उंगली उठाते हैं और हमारा जो हमारी जो मांग थी सीबीआई जांच की, उसकी निश्चित रूप से इन सारे देश की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सीएम योगी जो बुला के फोटो खिंचाते हैं और पैसे देते थे, मैं कहता हूं कि अगर आपकी सरकार इतनी अच्छी होती तो ये एक बार जब ये ऐसा कोई घटना घटती है तो दोबारा नहीं घटनी चाहिए। अगर आप किसी को बुला के पैसे देते थे तो क्या वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? और वापस से अगर ये 15 दिनों बाद रिपीट होता है, इसका मतलब है कि आप अपना ग्रिप खो चुके हैं, प्रशासन पर आप अपनी ग्रिप खो चुके हैं, आपका प्रशासन बेलगाम हो चुका है और जनता इसका ये सब देख रही है, इसका जवाब देगी। याद रखिए उस माँ बेटी को जिनको जिंदा जला दिया गया था, याद रखिए हाथरस यूथ बेटी को, याद करिए अभी बाराबंकी बहराइच में क्या हुआ, कैसे दंगे फैले। ये तमाम बातें समाज के बीच में जा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। प्रदीप जी, ये कोई पहला सवाल नहीं है, ये कोई पहला सवाल, पहला मामला नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए हों और पुलिस वाले सवालों के घेरे में रहे हों। डीजीपी को मंगेश यादव एनकाउंटर में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, बाकायदा सफाई देनी पड़ी थी। बीजेपी के कई विधायक भी अधिकारियों पर ये आरोप लगा चुके हैं और मुख्यमंत्री से भी मिलने जा चुके हैं कि अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं, ये व्यवस्था आखिर क्यों है? और जो 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई है पीड़ित परिवार की, 10 लाख रुपए में क्या किसी घर के चिराग की भरपाई हो सकती है, किसी बेटे की भरपाई हो सकती है? ये मांग तो 50 लाख रुपए की थी उस परिवार ने। प्रदीप धीरेन जी, निश्चित तौर पे 10 लाख रुपए और उस जान की कोई तुलना नहीं है। निश्चित तौर पे वो पेड़ गिरने के बाद भी बहुत सारी जाने गई थी, वो वापस नहीं आ सकती और बहुत सारे कार सेवकों की भी जाने गई थी, तो भी उसी प्रकार की व्यवस्था थी, उसी तरह के काम उत्तर प्रदेश की जनता के लीजिएगा। बीच में धीरेन जी मैंने नहीं बोला था, मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप अपने प्रक्रिया आएंगे आपके पास। सुनिए जी, बीच में नहीं धीरेन जी, एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। सरकार देखिए, हम अभी 1860 के आसपास के भारतीय पुलिस अधिनियम पे अभी भी हम चल रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने के पुलिस के कानून अभी भी चल रहे हैं। क्या सरकार जब इनको बदलने के लिए कानून लाती है, क्या कोई प्रयास करती है, तो विपक्ष का पिछले 10 वर्षों से ऐसा रवैया रहता है कि इनका सहयोगात्मक रवैया हो? आप बताइए, क्या ये अभी इसी आपके चैनल पे दर्शकों को ये भरोसा दिलाएंगे कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस रिफॉर्म्स ले आती है तो उस पर ये अड़ंगा नहीं डालेंगे, केवल छुछुई राजनीति, छिछली राजनीति नहीं करेंगे? है इस पे बात करने की, है साहस आरोप लगा लेना और इस पर बात करना, पुलिस रिफॉर्म्स की आज जरूरत है। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें जब किसी भी रिफॉर्म्स को ले आने का प्रयास करती हैं, सबसे पहले विपक्ष डालता है। ये इससे इस बहस से उससे क्या बदल जाएगा? प्रदीप सरकार का ड्राफ्ट स्पष्ट करें, आप ये बताइए, इस बहस से काउंटर स्पष्ट करें। राहुल जी बीच में, राहुल जी आएंगे इसके बाद, आपके पास आएंगे राहुल जी। प्रदीप जी को अपना जवाब पूरा कर लीजिए। प्रदीप जी, जब रिफॉर्म्स किसी विभाग में या जब बदलाव आते हैं तो उसका समय होता है और वो अपने समय से आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बदलाव देखे जा सकते हैं। रिफॉर्म से प्रदीप जी रवैया कैसे बदल जाए? विपक्ष का सहयोग होता
होता है किसी भी काम को करने का एसओपी होता है। आज पुलिस में वही कानून है, उसी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जो कि अंग्रेजों के समय की थी। अंग्रेजों के समय की प्रक्रियाएं किसके खिलाफ में थी? भारतीयों के खिलाफ में थी। अरे भाई, जो नया अधिकारी आ रहा है उसको उसी एसओपी में रिफॉर्म करना है ना, उसी में काम करना है। वो जब तक वो बदला नहीं जाएगा, एक अधिकारी की 24 घंटे की ड्यूटी होती है सर, 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी करने के बाद क्या व्यक्ति का स्थिति की स्थिति रहती है उस पर? कितने घंटे की ड्यूटी होती है प्रदीप जी, वो सवाल यहाँ पर है ही नहीं। सवाल यहाँ पर ये कि पुलिस कस्टडी में आखिर मौत कैसे हो जाती है? 75 वर्षों से प्रक्रिया है पुलिस की, पुलिस उसी पे काम चल रही कर रही है ना, अंग्रेजों के जाने के बाद से, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है राहुल जी, राहुल जी विरोध करने वाले लोग हैं, ये विरोध करने वाले लोग हैं क्या ये? ठीक है राहुल जी, देखिए मैं स्पष्ट करूंगा कि दरअसल प्रदीप जी बहुत कंफ्यूज हैं और ये भटके हुए भी हैं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कस्टोडियल डेथ पर सरकार के रुख का स्पष्ट करना है। अगर ये पुलिस सुधार की बात करते हैं तो यहाँ पर कारावास सुधार की बात है, और इसके अलावा अगर इन्होंने संविधान पढ़ा हो तो इनको पता होना चाहिए कि वहां पर अनुच्छेद 21 है, वहां पर आर्टिकल 21 है जो ये कहता है कि सबको अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 22 है अपने अरेस्ट के विरुद्ध, उसको अधिकार है। तो इनको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसमें भी उसके मौलिक अधिकार सन्निहित होते हैं, उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करनी होती है। इसलिए कस्टोडियल डेथ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए, पुलिस को सुरक्षा देनी है जब तक कि उसको कोर्ट सजा मुकर्रर न कर दे। सजा देना कोर्ट का काम है। और यहाँ ये 1861 के पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म तो हो ही रहे हैं, और पुलिस रिफॉर्म के लिए स्टेट की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था। अगर कोई रिफॉर्म लाती है तो आपकी सरकार तो बहुमत में है। और रही बात एसओपी की, तो विपक्षी को क्या इसमें ऐतराज है? अरे भाई, जो आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड था, बीएनएस हुआ, उसे किसी को क्या ऐतराज है? आज हत्या के मामले में 302 का नहीं 103 ए का मुकदमा दर्ज होता है। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कस्टोडियल डेथ में अपने रूप को स्पष्ट करें कि इस तरह की जो डेथ है ये 16 दिन में दूसरी डेथ है। सवाल यहाँ ये है, अभी कुछ दिन पहले वहीं लखनऊ में ही पहली कस्टोडियल डेथ हुई, आज दूसरी हुई है। कस्टोडियल डेथ किसी की नहीं होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर उस पर कोई मुकदमे लगाए जाते हैं तो उसको सजा तक पहुंचना होता है, उसकी ट्रायल होता है, जिरह होती है, इसमें ट्रायल है। आखिर सरकार ये लोगों को विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही है कि जो पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, ये इसका ध्येय वाक्य है, तो पुलिस इसके साथ न्याय क्यों नहीं कर रही है? इनकाउंटर पे सवाल है, और ये सवाल हम नहीं, ये सवाल और इस पर सवाल अमिताभ जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, सुरखान सिंह पूर्व डीजीपी हैं, जो पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो सरकार का रवैया है, जो कानून को लागू करने का लोगों के प्रति, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बुलडोजर मिसाइल की तरह काम नहीं, टारगेटेड मिसाइल की तरह काम नहीं करना चाहिए। पुलिस टारगेटेड मिसाइल नहीं है, न्याय की सुरक्षा, न्याय की गुहार लेकर पुलिस थानों में लोग जाते हैं, तो वहां पर इस तरह ठीक है। राहुल जी, प्रदीप जी आएंगे आपके पास, पुनीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद इसका जवाब आपसे। भारतीय जनता पार्टी का इसके इतनी बयानबाजी दृढ़ता का पर्याय है? ये क्या बताना चाहते हैं कि मेरा बुरा तुम्हारे बुरे से कम है? आप कहते हमेशा व्हाट अबाउटरी, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, पेड़ गिरे तो क्या हुआ, कार से बकना, तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है उत्तर प्रदेश की जनता को मरने देने का? पुलिस बनी है सुरक्षा देने के लिए, ना कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करे तो वहां उसकी मौत हो जाए। और पुलिस रिफॉर्म एक दूसरा विषय है, आप जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, पहला विषय यही है। और आपकी जवाबदेही है, जब पुलिस ले जाती है तो मुख्य रूप से बात यह है कि संविधान में आपका विश्वास कितना है। यहाँ पे तो ठोको नीति है, यहाँ पे तो किसी एक विशेष जाति के प्रति इनकी द्वेष भावना है, यहाँ पे तो इनका ये मानना है कि हमने जो कह दिया सिर्फ वही सही है, और ये गलत सरकार है। यहाँ जब कुछ गलत हो, आमतौर पर जब कुछ गलत होता है, नीचे में कुछ गलत होता है तो ऊपर के लोग उसको सही करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी धारा बहती है। जब नीचे कुछ गलत होता है तो नीचे से ऊपर तक के लोग उसको कवर अप करने में लग जाते हैं, उस गलती को सही बताने में लग जाते हैं। जवाब उल्टी धारा बहानी भारतीय जनता पार्टी का चार केंद्र चेहरा बन चुका है। ठीक है प्रदीप जी, जवाब। धीरेन जी देखिए, इन प्रकार के सवालों का जो कि रिपीटेशन में आ रहे हैं, इसका कोई क्या जवाब दे सकता है? लेकिन सरकार ने जो त्वरित कार्रवाई की है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। विपक्षी दल हैं, अब इनकी मैं फिर इनके इतिहास को उठा करके इनपे कटाक्ष करूं, इनपे कमेंट करूं, तो उससे कोई सलूशन नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात आप ये समझिए कि जिस गति से कार्रवाई हुई है, जिस प्रदेश सरकार ने जितनी त्वरित गति से कार्रवाई की है, वो एक नजीर है कि तुरंत तुरंत काम हो रहा है, तुरंत सारी चीजें हो रही हैं। निश्चित तौर पे उस जान को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हिल्ला हवाली वाली सरकार जितनी तेजी से कार्रवाई हुई, ठीक है मानते हैं यहाँ पर कोई अपराधी होता तब यहाँ पर सवाल ना उठते, लेकिन जिस पुलिस पर प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा है उसकी कस्टडी में एक शख्स की मौत हो जाती है,
तब यहाँ सवाल उठना लाजमी है, सरकार का जवाब भी देना है। धीरेन जी, अगर मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट आ गई है मृत्यु के कारणों की या क्या है, लेकिन अगर आप उसका उसकी प्रतीक्षा कर लें और जरा जनरल पब्लिक में मीडिया में उसको आ जाने दें, फिर उसके बाद बात करें तो होती कुछ भी कारण हो सकते हैं, कुछ भी बातें हो सकती हैं। मैं निश्चित तौर पर उस परिवार के शोक में इस घड़ी में हम उनके साथ हैं, हम उनको सांत्वना देते हैं। अब जो सरकार अच्छा कर सकती है वो कर रही है, जांच हो पूरी हो जाए, दोषी पाए जाएंगे तो बुलडोजर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। जिस प्रकार की कार्रवाई सबके लिए होती है उसी प्रकार की वो उनके लिए भी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। ये आदरणीय योगी जी की सरकार है, ये हिल्ला हवाली वाली काम नहीं करती है। और जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं तो राहुल जी ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज बताया, मैं भी पूछ लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था बुलडोजर को लेकर के, अब लगता तो शायद वकील होंगे, लेकिन अगर पढ़ा है तो उसको एक बार से फिर से पढ़ लेंगे दोबारा। प्रदीप जी मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि मैंने सारे जो भी कोर्ट के निर्णय आते हैं सरकार से संबंधित जितनी कार्रवाइयां होती है इन सब की जो है हम इसके सबको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की बात कर रहा हूं, प्रदेश के राहुल जी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रहा हूं जो याचिका लगी थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही। देखिए ऐसा है, अगर जो पुलिस की छवि है इसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, कस्टोडियल डेथ को लेकर बड़ा सवाल है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और उसके निर्णय को लेकर के चर्चा करनी है तो इसके अलावा आपको आज चर्चा करनी चाहिए कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसका क्या कहना है कस्टोडियल डेथ पर, और जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहां जहां आपकी सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए। और कस्टोडियल डेथ में क्या जो गिरफ्तार हो गया उसके मानवाधिकार नहीं है? जो गिरफ्तार हो गया क्या उसका कोई का अधिकार नहीं है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कस्टोडियल डेथ पर सरकार का रूल क्या है। सरकार के साथ सरकार नहीं है, मानवाधिकार के साथ सरकार नहीं है, महिला सुरक्षा के साथ सरकार नहीं है। तो ये समझने की बात है कि जो आप कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो कार्रवाई क्यों करने की नौबत आई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आनी होगी आएगी, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट जब आनी होगी आएगी, लेकिन यह नौबत क्यों आई कि हिरासत में मौतें हो रही है? सवाल यह है तो सरकार का जो रवैया है जवाब ले लेते। प्रदीप तो कह रहे ना कि हिरासत में मौत की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट पे तो इस समय कोई सरकार कुछ करेगी नहीं ना, क्योंकि रिपोर्ट तो इंडिपेंडेंट एजेंसी बना रही है, डॉक्टर बना रहा है, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर मैं उपस्थित रहूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सवाल उनका यही है ना, कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है, मोहित पांडे तो व्यापारी था, कोई अपराधी तो था नहीं कि पुलिस के एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ गई, मारपीट करने की जरूरत पड़ गई, एक व्यापारी था, उसकी कस्टडी में मौत हुई, तो सवाल यहां पर उठना लाजमी है, क्योंकि कोर्ट का साफ साफ कहना है कि जब तक जो अपराधी हो या फिर व्यक्ति हो पकड़ा जाता है उसका मेडिकल नहीं करा लिया जाता है, उसको कोर्ट में पेश नहीं कर दिया जाता है, उस पर कोई हाथ भी नहीं उठा सकता है, तो बिना मारे चोट के निशान भी उसकी बॉडी पर थे, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है, तो बिना मारे बिना पीटे किसी की जान कैसे जा सकती है? हार्ट अटैक आया होगा या फिर? तो वही तो कह रहे हैं ना दिनेश जी, आ जाने दीजिए रिपोर्ट, सरकार कार्रवाई के लिए कटिबद्ध है। और संघीय धाराओं में देखिए, संघीय धाराओं में अगर कार्रवाई हुई है ठीक है पुनीत जी, बात खत्म करना चाहूंगा। हमारे कहने का मतलब है अगर 15 दिन पहले एक कस्टोडियल डेथ होती है और आपकी सरकार इतनी सजीव है और चाहती है कि कानून का पालन हो, तो फिर वापस से 15 दिनों में कैसे हो जाता है? अगर ये रिपीट ऑफेंस हो रहा है इस राज्य में, इसका मतलब है कि प्रशासन पे सरकार की पकड़ ढीली हो चुकी है और ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पे इनका कोई कार्य नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आप तीनों लोगों का न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय कम है क्षमा चाहेंगे। तो फिलहाल सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह हो जाता है कि पुलिस कस्टडी में आखिर मौत कैसे होती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई है? अब तक 2 SHO को सस्पेंड किया जा चुका है और भी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर पुलिस कर्मियों की यहां पर लापरवाही नहीं है, मारपीट नहीं की गई है, तो ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? और यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस कर्मी ही सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। अब इन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होती है? क्या आम जनता की तरह, आम अपराधी की तरह जिस पर बुलडोजर कार्रवाई होती है, पुलिस वालों पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी अगर ये दोषी पाए जाते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल दो टोक में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।